यूं तो भारत में चमत्कार के लिए कई मंदिर जाने जाते हैं, मगर ऐसे भी कई स्थान हैं जहां लोगों को दर्शन और आशीर्वाद के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के रौन कस्बे की, जो कि जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर रंजीतानंद जूनागढ़ अखाड़ा भिंडी बाबा आश्रम रौन में है। यहां ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती और टेस्ट बेबी ट्यूब जैसी जगह इलाज करवाने के बाद भी संतान नहीं होती, मगर भिंडी बाबा रौन आश्रम पर आकर सिद्ध बाबा के दर्शन पर यहां की चमत्कारीन भभूति और कुछ भिंडी बाबा के द्वारा औषधि दी जाती है, जिसके बाद निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, वो भी पुत्री नहीं बल्कि पुत्र की ही प्राप्ति होती है। जब लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो भिंड बाबा आश्रम रौन पर चढ़ावे के रूप में पालना ही चढ़ाते हैं और मंदिर पर सोमवार गुरुवार को मेला लगता है, जहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहां पर श्रद्धालु भिंड से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा कई दूर दराज प्रांतों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हें सिद्ध बाबा के दर्शन और आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बच्चों के लिए तो यहाँ रामवाड़े लाया, यहाँ जो कहीं भी नहीं हो रहा हो, जो डॉक्टर ने मना कर दिया हो, यहाँ के होते हैं बच्चे। और हम खुद उदाहरण है, दो बच्चे हमारे यहीं के हैं। एक हमारे भाई का है, वो 15 साल बाद हुआ था, यहीं हुआ था। कहाँ से आए? हम भिंड से आए, हाल में अभी ग्वालियर रहते हैं। मेरा लड़का नहीं हो रहा था 7 साल से, बाबा की कृपा से हुआ है। डॉक्टरों को खूब दिखाया था, कोई आराम नहीं मिला, यहाँ से आराम मिला है। आज पालना चढ़ाने आए हुए हैं। कहाँ से आना हुआ? पिनाट से। कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर? हमारे गांव के आते थे यहाँ पर, उन्होंने बताया था। तो उन लोगों को पुत्र प्राप्ति हुई? हाँ जी, दो लोगों को उनने बताया था, जो जब मैं आया था यहाँ पर। क्या नाम? शिवम। हमारे पास बेटा नहीं है तो उसलिए आए थे, तो बाबा जी ने 8वें महीना पूरा होने के बाद 9वें महीने में बुलाया था। शादी हमारी 2013 में हुई है, 8 साल हो गए शादी को। कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये? हमारे गांव में काफ़ी लोगों को बेटे हुए हैं तो उन लोगों ने बताया था, उन्हीं के उससे आए थे हम लोग यहाँ पर। उन लोगों को काफ़ी लड़के हुए हैं हमारे गांव में, दानी के नगरा में, इटावा के पास है सिरसागंज के, वहाँ पर काफ़ी लड़के हमारे गाँव में हुए हैं बाबा के देन से। आपका क्या नाम? जी मेरा नीतू से करवाना, हमें ग्वालियर रहते हैं हम लोग थे। और जो नवोदय स्कूल में मैंने अपना अप्लाई किया तो मैंने उसमें वहाँ टीचिंग में मैं पास हो गया। करीबन 12 साल तक मैंने वहाँ टीचिंग की। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरी शादी की तैयारी की, बोले सैयाद शादी न होने के कारण किसी भी विद्वान से मैं थोड़ा, सिद्ध बाबा ने मेरे को पागल कर दिया। पागल करने के बाद में मेरे पास परमात्मा की कृपा, एक कन्या के द्वारा खबर मिली कि तुमको सिद्ध बाबा इस पर के पागल के हैं, तो बाबा की मेरे पास सिद्धि आई। मैंने संन्यास लिया, मैं संत बना हूँ। मेरा नाम संत रूप में है, रंजीतानंद सरस्वती नागा सन्यासी जूना खाड़ा, लेकिन ये नाम मेरा एक गुरु महाराज के नाम से लेकर लाड़ प्यार का नाम हमारा, जो गांव दात में बोलते हैं, वो चारों एरिया में जो नाम चल रहा है वो भिंडी बाबा के नाम से विख्यात है। भिंडी ऋषि के नाम से मंदिर है, रौन गाँव में पड़ता है, जिला भिंड पड़ता है अपना। और परमात्मा की, सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे को वरदान दिया कि भिंडी ऋषि जिसके सिर पर तू हाथ रख देगा वो बच्चे वाली माँ बनेगी। वो आज तक बच्चे वाली माँ किसी भी प्रकार से वो बेचारी परेशान हो, चाहे उसका कोई टेस्ट भी फेल हो गया हो या उसके अंदर कोई भी बच्चा ना होने की कमी हो, पति नपुंसक हो, यहाँ केवल हम दुआ देते हैं, गोश से नारियल देते हैं और थोड़ी सी एक दवा कोई कमी होती वो देते हैं। बाकी मेन काम यहाँ केवल सिद्ध बाबा की दुआ का है। अभी तक यहाँ जो बच्चे से हीन थी, बहुत दुखी थे, उनने आशा तोड़ रखी मैं बच्चे वाली माँ नहीं बन सकते, तो अभी तक हमारे यहाँ 6000 बच्चे वाली माँ बन चुकी है। उनके बच्चों की माँ की मनोकामना पूरी हुई। इसके साथ साथ किसी के